नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं टेक डिसाइड। आज हमारे पास में जो सैमसंग A50 है, इसकी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। अप्रैल के महीने की ये अपडेट है और आज हम इससे करेंगे अपडेट। इसमें कुछ चेंजेस है, जैसे कि कैमरा में इम्प्रूवमेंटेशन होने वाली है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे। तो देखेंगे इस अपडेट के करने के बाद में कितना कुछ फर्क पड़ता है इस फोन के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि ये जो अपडेट है, ये करीबन 666.10 MB की अपडेट है और इस अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की गई है वो भी आप देख लीजिए। इसका सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अप्रैल 2019 का है। इसमें आपको कैमरा में चेंजेस किए गए, यानी कि आप फ्रंट में भी वाइड एंगल से सेल्फीज़ खींच पाएंगे। साथ ही में गैलरी जो मोड है, जिससे आप फोटोज़ खींचेंगे लाइव फोकस मोड में, उसमें चेंजेस है वो भी आपको बताएंगे किस तरह से होता है। साथ ही में आपको बिक्सबी रूटीन्स का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। साथ ही में इसके अंदर आपको द परफॉर्मेंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्निशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। और ओवरऑल स्टेबिलिटी के ऊपर भी ये अपडेट आई हुई है। तो अब इसे करके देखेंगे अपडेट को, बाद में इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, यानी कि कैसे चलता है फ़ोन। करते हैं इसे डाउनलोड। तो डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट डाउनलोड होगा, हम आपको डिटेल में इसका रिव्यू बताएंगे कैसे है। तो चलिए वेट एंड वॉच। तो अपडेट हो चुकी है, फाइनली डन। अब इसे करते हैं इंस्टॉल। अब ये सब हो चुका है अपडेट। देखिए क्या कुछ चेंजेस आते हैं इस फोन के अंदर अपडेट के बाद में। सबसे पहले चेक करेंगे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। तो देखिए इस तरह से अब ये हमने टैप किया और ये ओपन हो चुका है। तो फिर से आपको दिखाते हैं ऊपर ओपन फास्ट हो चुका है और इम्प्रूव किया गया है। लेकिन आपको सही जगह पे आपको अपना फिंगर रखना है, तो ही आप इसे अच्छी तरह से ओपन कर सकते हो। तो पहले से बहुत फास्ट है। पहले जब ये स्टार्टिंग में फ़ोन लॉन्च हुआ था, उसके बाद में कुछ तीसरी या चौथी अपडेट है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर को अच्छा खासा यहाँ पे बहुत फास्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ठीक है, पहले से ज़्यादा फास्ट ज़रूर इसे कह सकते हैं। अब जो अगला बदलाव है वो इसके कैमरा में है। तो कैमरा में आप जैसे ही जाओगे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अगर आप जाते हो रियर कैमराज में, तो रियर कैमरा में सब फंक्शंस जो भी फीचर्स थे वो सेम है। लेकिन अगर आप फ्रंट कैमरा में अगर जाते हो, तो यहाँ पे आपको जो सेल्फी है वहाँ पे आपको वाइट सेल्फी का कोई ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वाइट भी। तो ये ऑप्शन जो है वो अभी इनेबल हुआ है। और आप भी अगर चेक कर लो अपडेट के बाद में, आपको ये आ चुका होगा, तो आप वाइट में सेल्फीज खींच सकते और वीडियोज़ नहीं बना सकते आप वाइड में। सिर्फ आप फोटो जो है वो वाइड में खींच सकते हो, सेल्फी आप खींच सकते हो। जनरली अगर 2 या 3 जन अगर आप हो, तो आप वाइड एंगल में फ़ोटोज़ खींच सकते हो, जैसे रियर कैमरा में इसमें ऑप्शन आपको मिलता है। अब इसके बाद में जो है वो, अगर आप लाइव फोकस मोड पर अगर जाते हो और उसके ऊपर अगर आप फोटो क्लिक करते हो, तो क्या आपको इफेक्ट डाले गए, ऐड किए गए। तो ये मैंने फ़ोटोज़ खींची थी लाइव फोकस मोड में, तो आपको यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स करते हो गैलरी में जाकर, तो यहाँ पे जो है ब्लर मोड जो है वो स्पिन वाला ब्लर मोड आ जाए, यहाँ पे आगे जो है स्पिन ब्लर मोड, तो ये स्पिन हो जाता है पूरा गोल 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 गोल, ये जो ब्लर जो इफेक्ट है ना, ये स्पिन हो जाता है। अब अगला जो है वो जूम वाला है। तो देखिए जो ये जो ब्लर हुआ है ना, ये जूम हो चुका है। आप अगर ठीक से देखो इसे, तो ये जूम हो चुका है। अभी यहाँ पे है कलर पॉइंट, यहाँ पे इमेजेस में जो कलर है वो आजू बाजू के जो कलर्स है वो पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं, जो भी बैकग्राउंड ब्लर होता है। तो अगर एजेस की बात की, तो किस तरह से एजेस डिटेक्ट करता है वो भी देख लेंगे। अब ये हमने इसे, ये देखिए एजेस भी जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कहीं पे भी कुछ मिस्टेक इसने नहीं की है। एजेस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एजेस ये डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक एक चीज़ अगर आप देखो तो मेरे कान के पास में भी इसने बहुत से अच्छी तरीके से एज डिटेक्शन किया है। बालों के ऊपर भी ज़्यादा कुछ आपको तकलीफ़ यहाँ पे नहीं होगी, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एज डिटेक्शन किया गया है। तो क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव की गई है इसके अंदर आपको यहाँ पे थोड़ी सी। तो ये अपडेट के साथ में कुछ 3 या 4 बदलाव है और अच्छी अपडेट सी। आपको भी अगर ये अपडेट करनी है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका, तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हो।
तो ये थी सैमसंग A50 की अपडेट, हमने अपडेट कर ली और आपको दिखाया कि क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। आप भी अपडेट कर लीजिए, अगर आपको अब तक ये अपडेट शो नहीं हुई है तो आप सेटिंग्स में जाकर अपडेट में सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाइए और वहाँ पे मैनुअली क्लिक कर दीजिए, आपको ये अपडेट दिखाई देगी, उसको अपडेट कर लीजिए। और जो चेंजेस है वो नॉर्मल है, वो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि जो आपको कैमरा में जो वाइड एंगल का जो सपोर्ट था वो रियर में था, क्योंकि उसमें आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है, लेकिन फ्रंट में जो सेल्फीज थी उसमें आप वाइड एंगल में भी सेल्फी खींच पाएंगे। ज़्यादा वाइड नहीं होता है लेकिन ठीक ठाक वाइड कर लेता है, तो आप वाइड में सेल्फी खींच पाएंगे। साथ ही में इसमें जो कैमरा का एक ऑप्शन है लाइव फोकस, जिसमें आप फोटोज़ खींचते थे और बैकग्राउंड जो है ब्लर आप मैनेज कर पाते हैं, तो उसमें आपको कुछ दो तीन ऑप्शन है। जैसे कि आपको जो बैकग्राउंड होगा तो आप मैच जब इसे करेंगे तो उसके अंदर आपको जो है वो आप थोड़ा सा कलरफुल कर सकते हैं, यानी कि आप इसके अंदर जो है वो स्पिन कर सकते हैं बैकग्राउंड को, साथ ही में जूम कर सकते हो, और जो तीसरा ऑप्शन है वो आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो बैकग्राउंड को और मैनेज कर सकते हो कम ज़्यादा। तो ये कुछ तीन चार ऑप्शंस है। और साथ ही में इसका जो सेंसर है फिंगरप्रिंट वाला इन डिस्प्ले का, वो थोड़ा सा नॉर्मली फास्ट हुआ है, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा स्लो था जब लॉन्च हुआ था। तीन चार अपडेट्स आ चुके हैं और ये भी अपडेट्स आने के बाद में थोड़ा इंप्रूव हुआ है, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही अपडेट्स सैमसंग लाता रहेगा अपने नए नए डिवाइसेस के लिए और अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो ऐसे में सैमसंग की क्वालिटी अब बेटर होती जा रही है और कम प्राइस में अच्छे अच्छे फ़ोन ये ला रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन अगर ऐसे अपडेट्स वो लाता है तो अच्छे अच्छे मेजर्स इंप्रूवमेंट भी करने चाहिए। बस इतना ही था आज के इस अपडेट में A50 को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड रखते हो तो